फातिमा, क्या क्या कर डॉक्टर साहब ने, कैसे हशमत? अम्मी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। मैं आलिया को बता के आती हूँ। हेलो। हाँ दानियाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा अंकल कैसे हैं? हाँ का लाख लाख शुक्र है, वो ठीक है, नॉर्मल है। मैं तो सुबह आ गई थी राफेल और आलिया के साथ, मगर तुम रात को मिले बगैर ही चले गए। हाँ मेरी वो डॉक्टर से बात हो गई थी, अंकल को मेरी तरफ से बहुत वार्म विशेस देना। तो तुम मिलो ना अंकल को जाके हॉस्पिटल, उन्हें अच्छा लगेगा। और थैंक यू दानियाल, रात को तुम ना होते तो सच्ची मैं तो पागल ही हो जाती। दानियाल तुम बहुत अच्छे हो, बहुत केयरिंग। थैंक यू फातिमा, तुम भी बहुत अच्छी हो, और अल्लाह का शुक्र है कि अंकल की तबीयत ठीक हो गई है। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ओके बाय। अपनी चोरी पकड़े जाने पर आप खौफ ज्यादा हैं? चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम याद रखो, तुम मेरे छोटे भाई हो, तमीज के दायरे में रहो। आप इतनी बड़ी मत बने भाई, छोटा हो या बड़ा हो बाप की जगह होता है। आप जो खेल खेल रही है ना, आयदा बर्दाश्त नहीं करूंगा। थप्पड़ मारूंगी ना तुम्हें, सारी जिंदगी याद रखोगे। और दानियाल से मैं तुम्हारे सामने पहले भी बात कर चुकी हूँ, सबके सामने कर चुकी हूँ कि तुम्हें जरूर आलिया ने भड़काया होगा। रात को भी वो हॉस्पिटल में आके पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। तुम दोनों पागल हो गए हो, बदतमीज, जाओ यहां से, बाद में बात करूंगी मैं तुमसे। Thank you.